कहता है छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। ढोलकपुर में रहता है छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। हमेशा भीम भीम। हाँ, नानी माँ ने मुझे बताया है कि वो दुनिया का सबसे बहादुर बच्चा है। विभू जल्दी जल्दी चलो, कौन है मेरा प्यारा बच्चा? तुम जल्दी चल सकते हो विभू। पर मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि मैं कितना तेज चल सकता हूँ। अच्छा बाबा, अभी जल्दी चलो, यहाँ आसपास जरूर कोई तालाब होगा। मैं डर नहीं रहा। बस तो तुम गए कालिया, अब देखना। उस्ताद बढ़िया शॉट मारना, इधर इधर आ जाओ आ जाओ। देखा मेरा कमाल, ये क्या था? वाह वाह उस्ताद, क्या बात है। अरे तुम कौन हो, क्या तुम खो गए हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ आओ। शेर का बच्चा, ये तो मेरा पालतू बनेगा। आजा 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 आजा, कहाँ गया? वहाँ देखो। अरे ये तो उड़ता है। अरे वो देखो, उड़ता हुआ शेर का बच्चा। देखो देखो। अरे दे 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 दे, वो देखो, मुझे लग रहा है वो गिरने वाला है। उसे पकड़ना होगा, नहीं उसे चोट ना लग जाए। शाबाश राजू। बहुत अच्छे राजू, अब हम इसका क्या करेंगे? विभू हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे, अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। मैं माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन, मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। आकाशवन और थोड़ा आगे, तुम्हारा घर या गुफा कहाँ है विभू? माँ। हाँ विभू, तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। नहीं माँ, 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 मेरा बच्चा। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं आकाशवन के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। विभू अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे सुपर हीरो की तरह। मंगल सिंह आया, ये तो फल आया था, ये खुशबूदार रस। ओ मंगल सिंह, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हम सफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मंगल सिंह। महाराज मैं तो बस। चलो चलो मंगलू, मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो, हम एक ही घोड़े पर साथ चलेंगे। सिपाहियों चलो महल की तरफ चलते हैं। महाराज अगर मैं आपसे एक दरखास्त करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मंगलू आखिर तुम दरख्वास्त क्यों करोगे, तुम तो बस हुक्म करोगे हुक्म। महाराज क्या आप महल में मुझे एक सिंहासन देंगे? सिंहासन? जरूर देंगे मंगलू, क्यों नहीं। वाह वाह वाह। मंत्री जी, मंगलू को मेरी तरह तैयार कीजिए।
मंगल सिंह। महाराज लेकिन ये तुमसे जैसा कहा है वैसा करो मंत्री। सिंहासन पर जचोगे। मंत्रियों, राजा मंगल सिंह का सिंहासन लाया जाए। कितना सुहाना दिन है, आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। सारे लड्डू हमारे लिए। भी इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया मैं सच बोल रहा हूँ। राजू सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है, अभी बताता हूँ। Oh.
भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? लड्डू लाओ, कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। हा? राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। नमस्ते महाराज। नमस्ते मंगल महाराज। नमस्ते महाराज इंद्र वर्मा, ये तोहफा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे पड़ोस वाले महाराज सोनी सिंह ने भेजा है। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप इसे खुद पर छिड़क कर तो देखिए। लाओ लाओ, मुझे दे दो भीम। नहीं मंगल महाराज, ये तोहफा खास महाराज इंद्र वर्मा के लिए है। हाँ ठीक है भीम, दो मुझे वो पानी, फिर तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो मंगलू। ये डाकू मेरे बगल में क्या कर रहा है? डाकू महाराज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मंगलू, धौलपुर का नया महाराज है। नया महाराज? सिपाहियों यहाँ आओ और गिरफ्तार कर लो इस डाकू को और बाकी के डाकुओं को। लेकिन महाराज, मंगल सिंह तो आपका दोस्त है और उनके दोस्त हमारे दोस्त हैं, तो हम कैसे? भीम, मेरी चाल बस कामयाब होने ही वाली थी। हमारे होते हुए तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती मंगल सिंह। शुक्रिया भीम, तुम सब नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये तो मेरा और मेरे दोस्तों का फर्ज था महाराज। हाँ महाराज। राजू, आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। मेरा घर।
और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओह मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, भीम, तुम ठीक तो हो ना? है कोई तकलीफ हो तो बताना। हाँ,
देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ, जाओ। मैं तभी जाऊँगा जब व्यापारियों का लूटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है ना, हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा जंगल उसका। हमें मंजूर है। आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। यहाँ भीम, यहाँ यहाँ भीम, यहाँ पकड़ा पकड़ा। ओहो भीम, यहाँ 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 आ जाओ। मैं तो यहाँ हूँ भीम। देखना, जल्द ही तुम में से किसी को मैं पकड़ लूँगा। ये लो चक्कू। नहीं चुका जग्गू, अब तुम देना। भीम, क्या कमाल का पकड़ा। हाँ वही तो, क्या क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंग फू पैंतरे अपनाता कि अपने साथ साथ हमारा भी पैतरा खराब कर दिया। ओ, ओ, वैसे सेब गिराने का शुक्रिया कालिया। हाँ? अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैतरा ऐसा। हाँ? जिसे हर कोई हारे। उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़बड़बान, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। वो क्या था, देखो ये कैसा जीव है। देखो ये आंखें खुल रहा है। अरे अरे आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं पंचेन, तुमसे नहीं डरता, पर अगर मुझे देरी हो गई ना तो राजा जंबोर मुझे कड़ी सजा देंगे। देर हो जाने पर सजा, ये कैसा राजा है तुम्हारा। जंबोर मेरा राजा नहीं है, उसने हमारे राजा लिका को बंदी बना लिया है और हमारे राज्य के लोगों से उनका जादू छीन कर अपना गुलाम बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लोगों को आजाद कराने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम सबको जंबोर की नगरी में ले चलूंगा। चलो। हे
नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। तो फिर ये लो। जंबोर की जादुई छड़ी तोड़ दो। भीम ने जंबोर को हरा दिया। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सब का इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। 91, 92, 94, 95 लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। सुनो, कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। हाँ, जूतापुर ही जाएंगे। भीम जाएगा तो कालिया भी जाएगा। छोलापुर जूते वाले, आज तेरी किस्मत खुल गई। मेरे छोल मंत्र जूतों से अगर इन सबको पकड़ लिया तो बोटकपुर महाराज बड़े खुश होंगे। आइए 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 मेरी अनोखी दुकान में पधारिए। आपकी पसंद और आपके अंदाज के मुताबिक जूते खुद आपके सामने आएंगे। देखिए देखिए। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। हाँ, अच्छे तो हैं, बहुत। जाल में फंस चुके हैं। झोल मंत्र जूता कलंतर, कर दे जूतों से जंतर मंतर। ढोलकपुर भीम, ये छोलापुर जूते वाले का झोल जूता जादू है, तोड़ नहीं पाओगे। मैंने कहा था ना? बिल्कुल नहीं। जग्गू, जरा तुम अपनी पूंछ का कमाल दिखाओ। जग्गू, जल्दी से चुटकी और राजू की मदद करो। हाँ,
बच गए, खत्म ही नहीं हो रहे थे शैतान।